नमस्कार, लव पैशन फॉर फूड में आपका स्वागत है। आज हम चिली पनीर बना रहे हैं। आइए देखिए क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे बनाएंगे। ये मैंने बोल लिया है, 250 ग्राम पनीर है जिनको क्यूब्स में काट लिया है। इसमें एक चम्मच मैदा, कॉर्नफ्लावर है 1.5 चम्मच, जरा सा नमक, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे सारा कॉर्नस्टार्च और मैदा जो है वो कोट हो जाए पनीर में अच्छे से। हाथ से करेंगे नहीं तो पनीर टूट जाएगा, और अगर थोड़ा सा ड्राई है तो हल्का सा पानी का छींटा दे दीजिए। ये देखिए हल्का सा, अच्छे से ये सारा कोट हो जाएगा इसके ऊपर। ये अच्छे से कोट हो चुका है। अब ऑयल रखा हुआ गरम हो गया है, इसको हम फ्राई करेंगे। ये एकदम क्रिस्पी होगा पनीर, थोड़ा सा गैप करके करेंगे जिससे चिपके नहीं एक दूसरे में। गोल्डन ब्राउन करना है, ज्यादा नहीं करना है। गोल्डन ब्राउन हो गया सारा पनीर, हम बस निकाल ये दूसरी कढ़ाई रखी है हमने गैस के ऊपर। 2 चम्मच ऑयल डाला है कढ़ाई में, गार्लिक चॉप्ड गार्लिक है 1.5 चम्मच, जिंजर 1 स्पून, हल्का सॉटे करेंगे। ये मैंने क्यूब्स में अनियन काट के रखा हुआ है, ये 2 मीडियम साइज के अनियन है, 1 शिमला मिर्च है, ये 1 साबुत मिर्च है, इसको मैंने चॉप करके छोटा कर दिया है, 2 हैं ये, वो डाल देंगे। तेज गैस पे पकाएंगे, सब्जी में क्रंच रहेगा, अच्छी लगेगी। चिली पेस्ट, रेड चिली पेस्ट है ये, मेरा होममेड है, इसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ग्रीन भी होममेड है, ग्रीन चिली, ये 1/2 स्पून शुगर, 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च लिया है, इसको हमने घोल लिया थोड़े से पानी में डाल के। वो भी डाल दिया इसमें, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से,
पनीर जो हमने फ्राई करके रखा था, स्प्रिंग अनियन, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इससे पनीर के ऊपर सारी स्पाइसेस, सारे मसाला कोट हो जाए अच्छे से। ये देखिए तैयार हो गया पनीर, हम इसे सर्व करते हैं। स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा ऊपर और डाल देंगे गार्निश के लिए। बहुत ही टेस्टी है, यम्मी है, आप भी बनाइए। और इजी बहुत है, बहुत क्विक, फटाफट बन जाता है, कोई हैसल नहीं है इतनी। और शिमला मिर्च आपके पास अगर रेड येलो भी है पेपर तो आप वो भी डाल सकते हैं, मैंने ग्रीन ही डाली है। अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और एंजॉय करिए। थैंक यू।